दोस्तों सब्सक्राइब करें थंडर वर्ल्ड चैनल को और इस घंटे को दबाकर हमारी वीडियो सबसे पहले देखें। हेलो गाइस, वेलकम टू द थंडर वर्ल्ड। दोस्तों आज की शो में हम जानेंगे बॉलीवुड की हॉरर फिल्म स्त्री की असली कहानी। तो शुरू करते हैं। स्त्री फिल्म दरअसल कर्नाटक राज्य में घटी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो चलो मैं तुमको इसकी सच्ची कहानी बताता हूँ। ये साल 1990 की बात है। बेंगलोर के आसपास मौजूद कई गांव में एक डायन अपना कहर बरसा रही थी। गांव के लोगों के मुताबिक ये भूतनी रात के वक्त उन लोगों के घर के दरवाजे खटखटाती थी और जो भी बदकिस्मत आदमी वो दरवाजा खोलता था उसकी कुछ ही घंटों में मौत हो जाती थी। और इस तरह की घटनाओं से कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि वो डायन दरवाजा जल्दी खुलवाने के लिए उस घर के किसी आदमी या औरत की आवाजें निकालती थी जिसे लोग दरवाजा जल्दी खोल दें। ज्यादातर पुरुष ही उस डायन का शिकार बन रहे थे। इन घटनाओं की वजह से कुछ लोगों ने तो ये गांव ही छोड़ दिया था। कुछ दिन बीतने के बाद जो लोग अभी भी इस गांव में रहा करते थे उन लोगों ने एक बढ़िया सी तरकीब निकाली जिससे उस भूतनी का चूतिया काट सके। उन गांव वालों ने अपने घर के दरवाजे और दीवारों पर कन्नड़ा भाषा में नालेबा लिख दिया जिसका मतलब होता है कल आना। ये उपाय करने के बाद वह भूतनी किसी भी घर का दरवाजा खटखटाती नहीं थी और हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा खटखटाना बंद हो गया। कहा जा रहा था कि दरवाजों पर लिखे नालेबा इस शब्द को पढ़ने के बाद वो डायन वापस लौट जाती थी और धीरे धीरे उस डायन का आना हमेशा के लिए बंद हो गया। बेंगलोर में घटी सत्य घटना को वहां के कई न्यूज़पेपर में दिखाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल 1 अप्रैल के दिन बेंगलोर के गांव में रहने वाले लोग उस डायन को हराने की खुशी में नालेवा दिवस मनाते हैं। दोस्तों ये थी स्त्री फिल्म की सच्ची कहानी। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड हाँ दोस्तों, आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज यार जाके सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और हाँ दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ यार फॉलो जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।